भाई साहब यकीन नहीं मानोगे, बात कुछ आज ऐसी है कि मैं अपनी लोकेशन पे आ चुका हूँ और अपने साथ आज सुमित नहीं है, और आया हूँ मैं गाड़ी से, और मैं दिखा देता हूँ आसपास में कहीं पे भी नहीं है। और सबसे बड़ा एक छोटा सा सीन हो गया यार, देखो एक बार अगेन आप लोगों का स्वागत करता हूँ डेल्सा व्लॉग में, एक नया चैलेंज भरे दिन में आप लोगों का स्वागत है ही है। बट प्रॉब्लम ये हुई कि भाई देखो यार, मैं गाड़ी लेके आज निकला बिकॉज आज का काम था, मैं कोई काम छोड़ता नहीं हूँ अपना जल्दी जल्दी, जब ज़्यादा वैसा लगता तो छोड़ देता हूँ, बट आज अकेले इस गाड़ी को यहाँ लेके आया हूँ। और अकेले लेके आया हूँ इसको मतलब ये थोड़ा ना है कि कहीं पे कुछ लगेगा नहीं, लगा भी, टच हुआ है, जैसे कि यार ये देखो यहाँ पे ये हल्का सा आगे तब डेंट आ गया है घिसने का, और क्या हुआ कि एक लेडीज थी जो साइड से ले रही थी, मतलब यहाँ तक आया हूँ कुछ भी नहीं हुआ। हाँ एक प्रॉब्लम मैंने फेस की, बाबा गाड़ी बंद हो रही थी क्योंकि अभी मेरा हाथ साफ होना काफ़ी और बाकी है, बट हाईवे और या फिर मेन रोड पर नहीं हो रही थी, बट कुछ कुछ गाँव पर रही थी, जैसे मुझे उठाने में दिक्कत हो रही है, नीचे लेके जा रहा हूँ तो वहाँ दिक्कत हो रही है। क्लच के बारे में एक चीज़ मैं यहाँ पे सीख ही गया हूँ कि क्लच एकदम एंड में ही प्रेस किया जाता है, जब आप वहाँ उस लोकेशन पे पहुँच गए हो कि गाड़ी बंद होने वाली है तब क्लच का यूज़ करते हैं। तो अभी क्या है, यहाँ पे मैं अपना काम निपटाता हूँ, पसीने काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, एसी भी नहीं चलाया था क्योंकि दिमाग के अंदर वैसी टेंशन थी। अगर पार्किंग की बात करूँ तो पार्किंग मैंने ठीक ठाक लगा ली है अच्छी तरह से, ये रही इस साइड में और वो गाड़ी ये गाड़ी, तो पार्किंग के में मुझे ज़्यादा इशू नहीं हुई, बाकी सब चीज़ों में मुझे प्रॉब्लम हुई है। सो भाई साहब काम वाम तो निपटा लिया, अब मुझे चलना है घर, और उससे पहले जितनी भी चीज़ें थी निपटा, और अभी सोचा हूँ भूख लगी कुछ खाऊं, बट मन नहीं कर रहा, अकेले खाने का मन तो करता नहीं, सुमित होता तो कुछ ना कुछ हम दोनों खा लेते हैं, अब सीधा घर पे खाना खाऊंगा। घर आने के बाद फिर हमारा प्लान बन गया अगेन रात को कहीं और जाने का, बिकॉज कल सुबह सुबह हमें तीन जगह जाना, तीनों डायरेक्शन जो है ना अपोजिट है, एक इस साइड है तो दूसरी साइड है तो तीसरी साइड है, तो हमने सोचा सबसे पहले अपने जो प्यारे से भैया उनके पास चल लेते हैं। तो हम अभी जा रहे हैं नोएडा, नोएडा में वहाँ रुकेंगे रात पर, फिर मॉर्निंग वहाँ काम निपटाएंगे, वाला व्लॉग तो कल ही देखोगे। तो सबसे पहले अभी आए थे सुमित के घर पे और यहाँ से कुछ खाना वाना उन्होंने खाया, काम भी बहुत पेंडिंग है अभी हमारा, और हम यही सोच रहे कैसे निपटा है, हमारे पास तीन लैपटॉप है तीन, पर तीनों किसी काम के नहीं है, तीनों एक के डिस्प्ले नहीं है, दूसरा बाबा अटकता है, लैग मारता है, इतना ज्यादा वो करता है, मतलब उसके मल्टीपल ब्राउजर्स खुलने लगते हैं, दूसरा वो हो गया, तीसरा एक लैपटॉप और है पर वो काफी पुराना है जिसका प्रोसेसर रोई कतना नहीं करता है, बट आज जुगाड़ करूंगा मैं अपने एप्पल वाला जो लैपटॉप है सेकेंडरी लैपटॉप के साथ कनेक्ट करूंगा एंड उसके बाद वो वर्क करूंगा। तो यहाँ पे मार्केट लगी हुई है और ड्राइव हमारे गुरुजी कर रहे हैं, और यहाँ पे बिल्कुल फुल खराब है, फुल कुछ फुल होपलेस वाली फीलिंग आ रही है इनको, ज्यादा ही कुछ, अभी बंद कर देते हैं, अभी इनको गाड़ी पे क्या कहते हैं गाड़ी पे ही ध्यान रखना, वो रखने तो नहीं फोकस रखने तो, नहीं तो दो चार की लाशें यहीं पे मिलेगी छोले भटूरे वाले के पास साहब कहेंगे भैया आप तो छोले भटूरे के लातों ने ठोक दिया, अभी रिव्यू लेंगे, अभी रुक जाओ पहले अभी देख लो, आज गुरुजी को पूरा सिखा के रहेंगे हम गाड़ी, ये निकाल ली थोड़ा और गुरु, बस थोड़ा सा और कर दे ले सुल्तान, कर दे चढ़ाई, बस थोड़ा और बस फिर उसके बाद हम अपनी मंजिल को, और रुक जाओ सब कुछ आने दो, यहाँ गाड़ी बंद नहीं होना चाहिए, दबाओ सीधा लो, हाँ अरे वाह भाई मार्केट को हम पीछे छोड़िया है, अरे वारे शेरू वाह क्या बात है, देख के अब मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊं जो आप लोगों ने अभी मंडी के अंदर देखा था जहां से मैं जा रहा था, भाई साहब मेरी ऐसी हालत हो रखी थी कि कोई गाड़ी के नीचे आ ना जाए, किसी को टच ना हो जाए, क्योंकि मंगलवार था, मंगल बाजार था, और वहां पे जो जनता थी अगर हो जाता कोई टच, भाई साहब जो मेरी कुटैया होती ना अलग लेवल की थी, पर थैंक गॉड कि काफ़ी मतलब उससे निकाल लिया आराम से और काफ़ी सेफ रहा और एक एक्सपीरियंस मिल गया, पर भाई मेरी हालत ख़राब हो रही थी रिवर्स करने में, मैं होपलेस बहुत हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस। येलो लाइट हमने चेंज करा दी, अभी वाइट लाइट होगी, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि येलो मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा था कि जब मैं व्लॉग कर रहा था कैमरा आगे करके, तो थोड़ा सा मतलब चेहरे पे एक अलग ग्लो होता था, पर हमने इस कार के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन छोटी छोटी कराई है, मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले ये स्टेयरिंग के ऊपर हमने ये वाला लगवाया है स्टेयरिंग कवर, और ये थोड़ा लेदर मटेरियल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और सबसे ज़्यादा जो मुझे इंपॉर्टेंट इसमें चाहिए था वो थी पैरों के नीचे लाइट डीजे वाली, डिचिक अलग ही फील दे रहा भाई, बहुत ही अलग फील। और इसमें एक फैसिलिटी मुझे सबसे अच्छी लगी, जैसे जैसे म्यूजिक चलेगा बीट के अकॉर्डिंग कलर का जो एक बैलेंस होता, कभी हाई कभी लो कभी हाई, वैसा होता रहेगा और चेंज होता रहेगा, वो नैनो में भी देखो, और जैसे नैनो वो पीछे लगा के जा रहा ना, ये चीज भी हम लगवाएंगे धीरे धीरे, सारी मॉडिफिकेशन करने वाले हैं, नेक्स्ट टाइम से मैं सारी मॉडिफिकेशन का एक सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बट यहाँ पे भी मैंने एक लाइट चेंज कराई, जो मैंने बोला पहले ये येलो में था और अभी ये व्हाइट में करा दिया, बिकॉज पीछे वाले पे लाइट रोशनी इतनी नहीं जाती, अब इससे जा रही है,
तो अभी इस ब्लॉग को यहाँ खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।